एक्चुअल ऐसी घबराहट होती है कि हम अगर 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे यार, जॉनी लीवर तो पहुंच गए होंगे। वो सेट पे इतना जल्दी पहुंचते हैं, वो शूट पे उनको बोल दो कि शॉट रेडी है, वो अपने कमरे से निकल के फुर्ती से वहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सब अब हम सीख रहे हैं उनसे। नॉट दैट मैं बहुत लेट होता हूँ या कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा आदमी हूँ, वक्त लग जाता है पहुँचते पहुँचते। लेकिन हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करते। कुछ चीज़ें ये होती हैं, जॉनी सर इतने परफेक्शनिस्ट हैं, वो एक एक सीन को इतनी बार मतलब बोल के देखते हैं, फिर एक और बार बोल के देखते हैं, फिर एक बार अगर वो पूछते हैं कि ये कौन सी वाली लाइन थी तो हम याद दिलाते हैं कि ये वाली लाइन थी, फिर वो वहाँ उस लाइन से पूरी स्क्रिप्ट वापस बोलते हैं, फिर लगता है उन्होंने फिर से अगर बीच में पूछ लिया कि ये कौन सी थी, वो वहाँ से फिर से बोलेंगे। तो मतलब वो इतने बार चीज़ों को करके देखते हैं, नई नई लाइन्स ट्राई करते हैं। बट ये उनकी एज में और उनके एक्सपीरियंस के साथ और उन्होंने जितना काम किया है उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम यंगस्टर्स थोड़ा टेकिंग फॉर ग्रांटेड के जोन में आ जाते हैं कि भाई चलो यार ये फनी है, ये हो जाएगा, ये सेट पे जाके कर लेंगे, वो सेट पे जाके कर लेंगे पे विश्वास नहीं रखते, वो बहुत बार करते हैं। तो हाँ, कई बार हमें ऐसा हुआ है कि यार बोल बोल के ऐसा लगता है कि अरे जॉनी भाई हम थक गए सर रिहर्सल करके, जॉनी भाई अब हो गया अब चलो। तो लेकिन बड़ा मज़ा आता है यार, मतलब होते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट। देखिए अलग अलग टाइप की होती है, ये मेरे हिसाब से एक अलग अटेम्प्ट है मेरी तरफ से भी, क्योंकि ये कॉमेडी काफ़ी फिजिकल है। मतलब ये जो अब जैसे कपिल के शो में मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, कई प्रकार की लाइनें हम बातें करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, पर होता तो वो एक स्टेज ही है ना, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई हार्नेस पहन के कूद नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, स्टंट्स नहीं हो रहे। यहाँ पर हमने ये शो में कुछ ऐसी चीज़ें की जो मैंने पहले कभी नहीं की है, मतलब इतना स्टंट रिलेटेड चीज़ें जो मैंने भी की हैं, और इतनी भागा दौड़ी, इतनी एक्टिविटी, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत अलग है। तो ये जो एक्शन पैक्ड आउटडोर्स इतना चीज़ें हो रही हैं बाहर, मतलब जैसे अब एक स्टेज पे खड़े होकर काम करने की मुझे भी आदत सी हो गई है, इतना सारा एक्टिविटी का मैं भी ज़रा छूट गया है मेरे से। मैंने शुरुआत की थी सालों पहले हातिम नाम के शो से, तब बड़ा आउटडोर करते थे, गार्डन में जंगलों में घूम रहे हैं, अब वो चीज़ों की मुझे खुद को आदत नहीं। अभी क्या टिप्स लूँ यार, मैं तो जीवन भर उनसे टिप्स लेता आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ कि जॉनी लीवर जी जब फिल्मों में आए, उससे पहले उनकी ऑडियो टेप आती थी, एक जो मिमिक्री के आइटम्स की ना एक ऑडियो कैसेट आती थी, मैं वो कैसेट सुनकर बहुत मतलब मैंने अपने स्कूल लेवल पे उनको कॉपी कर करके बड़े आइटम्स अपने स्कूल में किए हैं, एनुअल डे पे और ये डे वो डे जो भी स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उन पे स्टेज पे जाके मैं जॉनी लीवर जी को कॉपी किया करता था। और मुझे ये भी पता है, मुझे तो काफ़ी टाइम तक शत्रुघ्न सिन्हा कैसे बात करते हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन उनको शत्रुघ्न सिन्हा को मैं कॉपी कैसे करता हूँ, मैं जॉनी लीवर को कॉपी करता हूँ कि वो शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे कॉपी करते हैं। तो बेसिकली सारा लर्निंग जॉनी लीवर जी के थ्रू ही हुआ है। तो हाँ, मतलब मैं बचपन से ही मेरे ख्याल से उनसे सीखता आ रहा हूँ, अब क्या सीखूँ, अब बहुत टाइम से सीख रहा हूँ। दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही हैप्पी शो है, खुशनुमा शो है, मज़ा आएगा आप लोगों को देख के, कॉमेडी है, लाइट हार्टेड भी है, फनी है, साथ साथ में थ्रिलर भी है। हम लोग केस सॉल्व करते हैं, मर्डर मिस्ट्री, मतलब जो भी है, कुछ कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्राइम रिलेटेड केस बड़ी सीरियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में हंसी मजाक होता है। तो एक अलग अटेम्प्ट है, क्योंकि एक्शन, क्राइम, कॉमेडी, ये सब का मिक्सचर टेलीविजन पे बहुत कम देखा गया है या देखने को मिला है, तो उस हिसाब से एक बहुत ही अलग शो है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। रखा गया है पार्टनर का।
कह दीजिए। मैं हमारे लिए हमारे सबके तरफ से दोनों भाई और हमारे तरफ से बेस्ट विशेष जॉनी भाई को, कीकू को, परितोष को, जिन्होंने आज 9:30 ओपन हो रहा है शो। सो वी आर वेरी हैप्पी जॉनी भाई जैसे जो अभी कमाल है ना, ये तो सोच भी नहीं सकते थे। अभी लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड पार्टनर्स ऑन सब और बेस्ट विशेष टू जॉनी भाई। अरे हमारे तो उनके जॉनी भाई के लिए बहुत बेस्ट विशेष है, और इसलिए कि जॉनी भाई हमारी 15 पिक्चरों में काम कर चुके हैं, तो अभी उनके लिए हमारे ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगे और रहते रहेंगे। और हम लोग ये शो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है जो डेली मंडे से फ्राइडे तक आएगा 9:30, तो ये शो तो मिस करना ही नहीं चाहिए। ओके फिल्म बनाई जो हमारी कैरियर की शुरुआत थी, तब से जॉनी भाई हमारे साथ हर फिल्मों में काम करते आए हैं। जो जॉनी भाई हमारे बहुत अच्छे रेपो है जॉनी भाई के साथ, और समझो ना कि एक फैमिली है जॉनी भाई के साथ, कभी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रहती, कोई तकल्लुकी नहीं है, हमेशा जॉनी भाई हमारे साथ ऐसे ही रहे कि जैसे हमारी फैमिली हो। और एक बात है, आपने जो बताया, आपने जो पूछा हमको कि जॉनी भाई कैसे इंसान है, तो इंसान तो कमाल के है वो, उसके लिए तो हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है बोलने के लिए। इज ए वेरी नाइस पर्सन, ऑल वेरी हेल्पफुल, हमेशा वो हेल्पफुल रहे सबके लिए, सोशल वर्क में हर एक जगह वो हेल्पफुल रहे जॉनी भाई। ओके थैंक यू। जद्दोजहद के बाद ये शो आ रहा है, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद जॉनी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो तो कॉमेडी के जीते जागते लेजेंड हैं, उनसे इतना सीखने को मिल रहा है रोज़। और सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यही है कि जॉनी सर है इस शो में, और वो टीवी पहली बार इस तरह से कर रहे हैं, तो हम सब बहुत ही खुश नसीब है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। साथ में कीश्वर है, साथ में अश्विनी कालसेकर है, कीकू, तो अब कौन नहीं जानता कीकू को, एंड विपुल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कास्ट एंड अ वंडरफुल शो, और आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को उतना ही मज़ा आएगा जितना ये शो हमको बनाने में आ रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछते हो आप। ऑफकोर्स ट्रबल हर किसी की लाइफ में किसी न किसी की वजह से कभी ना कभी हुई होती है, बट आई थिंक ट्रबल्स को भूल कर आगे बढ़ना खुशी से इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। बट ये शो में जो ट्रबल है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ट्रबल नहीं होगी तो सारा फन नहीं होगा और ना ही कॉमेडी होगी। सो दिस ट्रबल इज़ वेरी 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 रिक्वायर्ड। सो ट्रबल हो गई, डबल वेट फॉर द डबल फन ऑल्सो। ऑडियंसेस ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हैं इस शो से, और हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरें। बहुत मेहनत कर रहे हैं और रोज़ लगातार शूटिंग हो रही है, और बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से हम ये शो बना रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि ऑडियंसेस उतने ही प्यार से इसे रिसीव करें, और उतना जो प्यार हम जिस प्यार से हम ये शो बना रहे हैं उतना प्यार वो देखें और हमें दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।